अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड मैगज़ीन। आज हम बनाएंगे कढ़ाई दिलरुबा, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और ये बकरीद के लिए स्पेशल है। बकरीद आ रही है तो आप बनाइए अपने घर वालों के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने आधा किलो गोश्त बोनलेस है, आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। और एक बड़ी साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून लिया है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और 2 गिलास लेंगे हम पानी। सबसे पहले हम मीट डाल देंगे, अब इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास पानी, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे प्याज और अदरक लहसुन। देखें इसमें बॉयल आ चुका है, अब हम इसे कवर करके रख देंगे। बस हमने इतना सा ही छोड़ना है, इसमें ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना, इतना छोड़ेंगे और स्लो फ्लेम करके इसे कवर कर देंगे। देखें गोश्त जो है वो कुक हो चुका है, बोटीज सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ले लिए मैंने कुछ चीज़ें, 11 से 12 जवे लिए लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, ये छोटी छोटी मिर्चें तो ये मैंने 7 ली हैं, अगर थोड़ी बड़ी इस साइज़ में हो तो आप 3 से 4 ले लें हरी मिर्च। ये 4 अदर टमाटर हैं, अब इन सबको हमें ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर लिए एक प्याज मीडियम साइज़ की, जिसे बारीक चॉप किया है। 2 अदद ले ली हैं बड़ी इलायची, 5 ली हैं गोल वाली साबुत मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा। यहाँ पर स्पाइसेस लिए हैं, 1 टीस्पून रोस्टेड पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर क्रश, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून रोस्टेड पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, आप सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, और 1 अदद लिया है लेमन। यहाँ पर ले लिया है मैंने कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल, अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले, इसे हल्का से ही बस सॉटे करेंगे। सॉटे हो गए, अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, देखें प्याज जो है हमारी सॉटे हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पीस लिया है टमाटर, हमने गोश्त जो है फुल कुक किया है। अगर हमारा गोश्त हाफ कुक होता, 95% या 90% डन होता, तो हम प्याज के बाद गोश्त ऐड करते, लेकिन मैंने गोश्त फुल कुक कर लिया है तो इसलिए अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है टमाटर जो हमने पीस के रखे हैं। देखें 5 मिनट तक मैंने इसे हाई फ्लेम करके पकाया है, तो ये देखिए इस तरह हो गया है। इसमें अभी बस थोड़ा सा ही पानी है, अब इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे इसमें स्पाइसेस, मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इस करेंगे भुनाई, फ्लेम को हाई करेंगे फिर इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे। देखें मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही, दही मैंने फेंट लिया है। अब इसे मिक्स करेंगे, अब 2 मिनट इसे पकाएंगे स्लो फ्लेम पे। देखें 2 मिनट हो गए हैं, भुन गया है हमारा मसाला सारा, अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त और लेमन जूस, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त इसका रंग आया है और भुना भी कितना अच्छा है। अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि बोटियों में भी मसाला लगे। अब यहाँ पर यखनी है, ये तकरीबन 2 कप है,
जितना भी बचा था मेजर करा तो 2 कप हो रहा है, इसे हम सारा डाल देंगे। जो यखनी में प्याज ऐड की थी हमने, उसे मैंने अलग-अलग निकाल लिया है, पानी अलग-अलग छाना, फिर इसे निकाल के मैश कर लिया। अगर मैश नहीं करेंगे, ऐसे डाल देंगे तो अलग-अलग सी प्याज नज़र आएगी, तो इसको मैश करके डालें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई दिलरुबा बनने वाली है हमारी। देखें कितने ज़बरदस्त इसका कलर आया है, कितना ज़बरदस्त दिख रहा है ये। 10 मिनट्स मैंने इसे पकाया है, ये देखें सालन बिल्कुल डन हो चुका है तकरीबन, ज़्यादा पानी नहीं है इसमें, भुन चुका है ये। भुनाई तो हमने इसकी बहुत ज़बरदस्त कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर, 1 टेबल स्पून तो इसलिए नमक का ध्यान रखते हुए आप डालें। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, बाकी गार्निश के लिए छोड़ देंगे। एक अदद मोटी मिर्च लेके इसे 4 पीस में कट कर लें और ऐड करेंगे हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास बटर ना हो, आप बटर ना डालना चाहें तो आप घी भी डाल सकते हो, और अगर घी भी नहीं डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब 5 मिनट के लिए कवर करके इसे रख देंगे। देखें 5 मिनट्स हो गए, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है, अब हम इस पर गार्निश कर देंगे थोड़ा सा जिंजर अदरक जो हमने बचा के रखा था, ऐड करेंगे धनिया, कढ़ाई दिलरुबा रेडी है। बहुत ही यमी बनी है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, पूरे घर में महक चुकी है ये देखें। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।